बांसगांव थाना के ग्राम गरसहिया निवासी 40 वर्षीय इलायची उर्फ लाची ने ग्राम प्रधान की तरफ से आवास आवंटन की शिकायत की गई थी, जिसकी खुन्नस में ग्राम प्रधान पति अशोक कुमार ने इलायची देवी को जान से मारने की धमकी दिया था और बदले की भावना को पाले हुए ही सही मौके की तलाश में था। मौका पाकर प्रधान पति अशोक ने सुनियोजित ढंग से सनही बैलदार और रविंद्र बैलदार को पैसे का लालच देकर और अभियुक्त रविंद्र सिंह को ग्राम प्रधानी का लालच देकर 18/19 मई की रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच, जब इलायची देवी अपने प्रेमी रमेश कुमार से मिलकर आ रही थी तो पुलिया के पास कुछ दूरी पर खेत में ग्राम प्रधान पति अशोक कुमार के साथ उक्त अभियुक्त गन में हाथ मुंह पकड़कर बारी बारी से बुरा काम किया एवं मुंह पर गला दबाकर इलायची देवी की हत्या कर दिए और खेत में लाश को रख कर भाग गए। इलायची देवी का मोबाइल रविंदर सिंह पुत्र वकील सिंह ने मौके से अपने पास रख लिया था, जो बरामद हुआ है। इस घटना को अंजाम देने के लिए प्रधान पति ने अभियुक्तों के साथ इलायची देवी की कई दिनों से रेकी कर रहे थे, मौका पाकर इस जघन्य कृत्य को अंजाम दे दिया। इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए एसएसपी शलभ माथो ने एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी और सीओ बांसगांव वीरेंद्र प्रताप सिंह को शाबाशी देते हुए गिरफ्तारी और खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा किया है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। और है ना तीसरा हाँ थोड़ा ये इसको इंट्रो ये ऊपर करो यार आप पास आइए आप पास लड़के सर ऊपर कर तो सर कितना सही इसमें 306 मैं बताऊंगा ऊपर करो थोड़ा सा बच्चे ने बताया क्यों सर मारा है पहले नहीं 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 ले जाइए मैं शॉर्ट बाइट दे देता हूँ कि ऐसे ऐसा फिर डिटेल में जो आप क्वेश्चन इसके 3 बच्चे एक बच्चा कुछ बड़ा है वो भी मुंबई में रहता है। ये थाना बांसगांव के अंदर का घटना हुई थी। 19 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी एक महिला की डेड बॉडी की बाद में शिनाख्त थी और ये ग्राम घनसरा की रहने वाली थी। इस घटना का अनावरण करते हुए टोटल 4 लोग प्रकाश में आए और इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों लोग उसी गांव के रहने वाले, एक रविंदर सिंह, एक रविंदर बेलदार और एक स्नेह। इस घटना में प्रधान पति अभी फरार है, जिसके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है। घटना में जो अभी तक इन्होंने साक्ष्य निकल के आए हैं, उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया है कि इस महिला ने पर्टिकुलर मैटर में प्रधान पति की शिकायत करी। तब से इन दोनों के बीच में रंजिश चल रही थी। महिला के पति की डेथ हो चुकी थी और इसके अंदर जो है इन्होंने मौका देखते हुए घटना की एक रात पहले इस महिला की हत्या की। इन्होंने इस चीज़ का भी इकबाल किया कि घटना से पहले उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया, इसी के तहत 302 के साथ 376 धारा की बढ़ोतरी की गई है। शेष जो एकमात्र अभियुक्त रह गया है उसकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर ली गई। सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर हत्या हुई है जी, इसमें शिकायत हुई थी और इसके अंदर बेसिकली शिकायत जो है एक पर्टिकुलर जो थी उसके अंदर पैसे को लेकर हुई थी और इसके अंदर जो प्रधान पति था उसी के लेकर शिकायत हुई थी, इसी रंजिश को लेकर ये हत्या की।